आज दुनिया में गैर मुस्लिमीन कुरान मजीद पर जो एतराज करते हैं ना, कितनी किस्म के एतराज, नबी की सीरत पे एतराज, यानी जहां उनको कोई मौका मिलता है इस्लाम पर एतराज करने का, नबी की सीरत पे एतराज करने का, कुरान पे एतराज करने का, तो वो मौका हाथ से जाने नहीं देते। लेकिन आप हैरान होंगे, गैर मुस्लिम ये एतराज क्यों नहीं करते कि ये वो कुरान नहीं है, ये कोई और कुरान है? ये सवाल नहीं पैदा होता आप? मेरा ख्याल है पैदा होता है आप लोगों का। ये कभी नहीं मिलेगा आपको कि ये वो नहीं है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ था। ये तो मैं तहरीफ हुई है, ये तो बाद में मौलवियों ने बना लिया, बाद में दूसरी सदी में किसी ने बना लिया। अगर उनमें किसी ने एतराज किया भी है ना, तो वो एतराज चला नहीं है। मुमकिन है कोई तारीख से उठा के दिखा दे, वो एतराज मकबूल नहीं हुआ पब्लिक में, उनके लोगों ने उसको मुस्तरद कर दिया है। अब सवाल पैदा होता है कि कौन सी ऐसी चीज है कुरान करीम में जिसकी वजह से यहूदी भी मानता है, ईसाई भी मानता है, हिंदू भी मानता है, सिख भी मानता है, उनके जो स्कॉलर हैं वो सारे मानते हैं कि ये वही किताब है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, और कोई भी इसका इंकार नहीं कर सकता। कौन सी ऐसी चीज है वो, क्या दलील क्या है वो? बात आ रही है समझ में? नहीं आ रही मेरा ख्याल है। देखें, किसी भी खबर को पहचानने के ना कुछ साइंटिफिक उसूल हैं पूरी दुनिया में मुसल्लम। खबर के सच्चा और झूठा होने, हमें जब किसी से कोई किताब पहुंचती है या खबर पहुंचती है तो सच्ची भी हो सकती है और झूठी भी। मैंने एक दफा बयान में तवातुर की बात की थी कि जो मुतवातिर खबर होती है ना वो झूठी नहीं होती। मुतवातिर खबर में, उसको रिपीट नहीं करूंगा, बड़ा लंबा बयान किया था कि लाखों लोग मुख्तलिफ इलाकों से एक चीज को नकल कर रहे हो तो वो झूठी नहीं हो सकती। तो मैं उसकी एक और दलील देता हूं कि मुतवातिर खबर झूठी नहीं हो सकती, इसकी एक साइंटिफिक दलील है, इसको कोई भी नहीं झुटला सकता। वो दलील ये है कि 10 आदमी हो, 10 आदमी, आपने 10 को बुलाया और एक कोड दे दिया उनको, 015678 कुछ करके, टेढ़ा मेढ़ा करके, तरतीब से नहीं, 017598 पर्ची पे लिख के दे दिया आपने एक को, दूसरे को भी बुला के अलग से चुपके से दिया 015798, तीसरे को भी दे दिया 015798, चौथे को भी दे दिया 015798, पांचवे को भी दे दिया 015798, सबको पर्ची में लिख के पकड़ा के उनको फैला दिया, और उनका अब आपस में लिंक नहीं है। अब आप तजस्सुस में हैं कि मैंने जो कोड दिया था इन 10 को वो क्या था? जो कोड दिया था ना 015798 दिया था, आपको नहीं पता है। आप दिमिश्क में गए उसके पास, वो मिस्र में बैठा हुआ है एक आदमी, एक दिमिश्क में बैठा हुआ है, एक शाम में बैठा हुआ है, एक कूफा में बैठा हुआ है, एक बसरा में बैठा हुआ है। आप दिमिश्क वाले शख्स के पास गए और आपने उससे पूछा कि वो जो कोड आपको तारिक साहब ने दिया था वो क्या था? वो कहता है 015798। आप फिर गाड़ी में बैठे और शाम पहुंच गए, और ये उस वक्त की बात है जब मोबाइल ईजाद नहीं हुए थे, यानी ऐसा नहीं है कि इसने उसको फोन करके बता दिया हो या उसने उसको फोन करके बता दिया हो। फिर आप शाम पहुंचे, फिर आप मिस्र पहुंचे, जहां जहां जा रहे हैं सबके पास से पर्ची पे भी वही कोड निकल रहा है, और जिसको जबानी याद है तो जबान पे भी वही कोड निकल रहा है। तो ये इसकी अलामत है, इसको दुनिया में कोई भी नहीं झुटला सकता कि भाई जो असल आदमी ने जो कोड बताया था वो कोड 100% यही है, इसके अलावा कोई और नहीं है। इसमें किसी ने अपनी तरफ से तहरीफ नहीं की है, अगर की होती तो एक ने की होती, दो ने की होती, तीन ने की होती, सारे के सारे एक पर कैसे मुत्तफिक हो गए? नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। अब आप मुझे बताएं कि 015798 का आप एक तजर्बा करें, ये तो मैंने एक लफ्ज बताया ना, आप इसके अलावा कोई और लफ्ज, 100 आदमियों को बिठाएं आप, एक के कान में एक कोड कहें और कहें कि ये दूसरे को बताओ, वो दूसरे को बताएगा, वो तीसरे को बताएगा, वो चौथे को बताएगा, सवे इंसान पे आके वो तब्दील हो चुका होगा। बहुत मुश्किल है, क्या करें यार, खाली अमीर साहब इन लोगों की समझ में नहीं आ रहा, वो सवे नंबर पे जाके तब्दील हो चुका हो। हम जब छोटे बच्चे थे तो टीवी में एक प्रोग्राम आता था, एक बच्चा दूसरे के कान में कोई लफ्ज कहता था, वो दूसरे के कान में, वो तीसरे के कान में, चौथे, और आखिरी में आके वो सारा तिया पांचा हो चुका होता था। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, तीसरा कुछ और कह रहा है, चौथा कुछ और कह रहा है, पांचवा कुछ और कह रहा है, छठा कुछ और कह रहा है। एक इतना सा कोड जो 4-5 हिंसों पर मुश्तमिल है, उसकी 10 आदमियों में जब वो डिवाइड होता है तो उसकी हिफाजत नहीं होती, चेंज हो जाता है। अलहम से लेके वन्नास तक कुरान मजीद एक ऐसा कोड है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बताया, उन्होंने याद किया,
लाखों हजारों सहाबा ने समझा सीखा, मुख्तलिफ मुल्कों में फैल गए, उनका आपस में कनेक्शन खत्म हो गया, कोई कूफा में चला गया, कोई मदीना में रहा, कोई मक्का चला गया, कोई दिमिश चला गया, कोई मिस्र चला गया, कोई आजरबाईजान चले गए, कोई अफगानिस्तान चले गए, कोई पिशावर तक में खबरें मिलती हैं, पूरी दुनिया में फैल गए। उन्होंने एक दूसरे को सीना बसीना वो मुंतकिल किया, फिर उनके करोड़ों लाखों शागिर्द पूरी दुनिया में, उनका आपस में कोई लिंक नहीं था, कोई गूगल नहीं था कि सबने गूगल से उतार लिया हो, कि सहाबी ने गूगल पे अपलोड कर दिया और बाकी सबने गूगल से उतार लिया। तो हम कह सकते थे उन सहाबी से अपलोड करने में गलती हो सकती है, एक आदमी से तो हो सकती है ना गलती, लेकिन हम देख रहे हैं कि आजरबाईजान में, दमिश्क में, मिस्र में, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में जहां जहां भी अल्हम्दुलिल्लाह, चार अल्फाज नहीं है, 6666 के करीब आयते हैं और पूरी दुनिया में फैल गई। और जब लोग सफर करके दमिश्क पहुंचे तो वहां भी वही पढ़ा जा रहा है, अलहम से लेके वन्नास तक, मक्का में भी वही पढ़ा जा रहा है, चीचनिया में भी वही पढ़ा जा रहा है, चाइना में भी वही पढ़ा जा रहा है, यूरोप में भी, नॉर्वे में भी, जर्मनी में भी। तो अब ये ऐसी हकीकत है कि इसका इंकार करने वाला कि इसमें तहरीफ हुई है, दुनिया खुद उस पर हंसेगी, बोलेगी भाई चार अल्फाज की ऐसे हिफाजत नहीं हो सकती, उसमें तहरीफ हो जाती है। और ये लाखों लोग एक जैसा कुरान पढ़ रहे हैं तो ये इसकी अलामत है कि इसमें तहरीफ नहीं हुई, हुई होती तो कहीं तो सामने आती ना, नहीं यारी बात मेरा ख्याल है। आज मैंने एक आयत में मुसद्दिकुन को मुसद्दिकन पढ़ा गलती से, मुसद्दिकुन को क्या पढ़ा, मुसद्दिकन, मतलब में कोई फर्क नहीं है, पीछे से जो बच्चा है ना, जो हमने ऑर्डर पे बनवाया है बाकायदा, ये ऑर्डर पे बनवाया इसलिए कि ये बच्चा बहुत छोटा है, सामने लोग कह रहे हैं यार ये इतना छोटा नाबालिग, तो इसके अब्बा ने बताया 16 साल का ही है, मैं बेफॉर्म दिखाने के लिए तैयार हूं, तो इसलिए मैंने कहा तो आपने बाकायदा ऑर्डर पे बनवाया है, 16 साल का इतना सा माशाल्लाह, लेकिन है बड़ा तेज, माशाल्लाह अल्लाह नजर से बचाए, है बड़ा तेज, ऑर्डर पे बनवाया हमने सामने बाकायदा। तो अब आप देखो मुसद्दिकुन को मुसद्दिकन पढ़ा तो फौरन रोक दिया, और ये सिर्फ आज से नहीं है, हमेशा से ऐसा ही होता है, कूफा में, बसरा में, आप मक्का का कुरान सुन लें वो भी वही है, नमाजों में इख्तलाफ है, वो यहां हाथ बांधते हैं, हम यहां हाथ बांधते हैं, वो जोर से आमीन, हमाजता आमीन, लेकिन कुरान वो भी वही पढ़ते हैं और हम भी, एक हर्फ आगे पीछे नहीं होता। तो अब इसका कोई इंकार कर नहीं सकता, और याद रखो कुरान की इस तरह से हिफाजत हो जाना ही इसके अल्लाह के कलाम होने की दलील है, उस जमाने की कोई भी किताब आज तक इस तरह से महफूज नहीं है। समझते थे कि ये किसका कलाम है, अल्लाह का कलाम, किसी झूठे नबी का कलाम इस तरह से महफूज नहीं होता। तो उस जमाने की कोई किताब इस तरह से महफूज नहीं है जिस तरह से कुरान मजीद महफूज है, एक बात। दूसरी बात, उस जमाने में जितनी जबानें थीं वो जबानें उसको वो भी पूरी तरह महफूज नहीं है, लेकिन आप अंदाजा लगाओ कि अल्लाह ने कुरान की अल्फाज की हिफाजत के लिए अल्फाज को महफूज किया और कुरान के मीनिंग की हिफाजत के लिए अरबी जबान को महफूज कर दिया। एक अंग्रेज ने यह दावा किया है कि कुरान में लफ्जी तहरीफ नहीं है लेकिन कुरान के मतलब में तहरीफ है, मतलब में, और उसने दलील यह दी है कि एक ही आयत की मुख्तलिफ तफसीरें क्यों होती हैं, दलील समझ रहे हैं बात को, बात की। उसने कहा देखो भाई एक ही आयत है, एक मुफस्सिर उसकी एक तफसीर करते हैं, दूसरे मुफस्सिर उसकी दूसरी तफसीर करते हैं, तो ये इसकी अलामत है कि इसमें मानवी तहरीफ हुई है, लफ्ज तो वही है लेकिन मतलब में गड़बड़ की है इन लोगों ने। तो मुझसे किसी ने पूछा, मैंने उसका फौरन जवाब दिया, मैंने कहा अगर किसी आइन में, कानून में, कोई आइन में कोई कानून लिखा हुआ हो, अदालत में वकील उस कानून का मतलब बताए और उस पर दूसरा वकील एतराज़ करे कि नहीं मेरी नज़र में इसका ये मफहूम नहीं, ये मफहूम है, तो क्या आप उसको ये कहेंगे कि पाकिस्तान के कानून में मतलब ही तहरीफ हो चुकी है, क्या ये कहेंगे? ये तो फिर दुनिया का कोई कानून इससे महफूज रहा ही नहीं है। वकील तशरी करते हैं ना कानून की, जज साहब इस ये जो शिक है ना पाकिस्तान कानून की, इस शिक का ये मतलब है, दूसरा कहता है नहीं ये मतलब है, तो क्या मतलब, कानून में मानवी तहरीफ हो गई क्या? तहरीफ नहीं हुई है उसमें, या तो दोनों एहतमाल होते हैं, या एक मतलब सही होता है दूसरा गलत होता है, तो वकील फिर दलील से साबित करता है कि ये वाला मतलब सही है और दूसरा वाला मतलब गलत है। तो ऐसे ही मुफस्सिरीन की राय में जब इख्तलाफ होता है, या तो वो इख्तलाफ इस नौयत का होता है कि कुरान की आयत के वो दोनों मफहूम निकल रहे होते हैं और अल्लाह ने दोनों मफहूम रखे होते हैं उसमें ताकि उसमें लचक रहे, लचक, और या बाज़ दफा ऐसा होता है कि एक मफहूम सही होता है दूसरा मफहूम गलत होता है, तो जो सही मफहूम होता है उस पर दलाइल कायम होते हैं, दलाइल फिर दलील से साबित किया जाता है कि ये वाला सही है और दूसरा वाला गलत है। तो तशरी में इख्तलाफ हो जाना, ये इसका ये मतलब हरगिज नहीं होता
कि इसमें माज अल्लाह क्या हो गई है, तहरीफ हो गई। तो मैं जल्दी से 5 मिनट में अपनी बात को समेट के ख़त्म करता हूँ। तो अल्लाह ताला ने कुरान की हिफाजत की, लफ्जी भी हिफाजत की और मानवी हिफाजत के लिए अल्लाह ने उस जबान को महफूज कर दिया जिस जबान में कुरान नाजिल हुआ। आज अरबी जबान 20 मुल्कों में बोली जाती है, 20 मुल्कों में, दो चार नहीं है। और कमाल की बात है कि हर मुल्क की अरबी में फर्क है। सऊदी अरब में जाएंगे वो अजीब सी अरबी, आम आवाम अजीब सी अरबी बोल रही है, मिस्र में जाएंगे अजीब सी अरबी। एक मिस्री आया, वो कहने लगा अल्लाहु अकबर। मैंने कहा अकबर क्या होता है भाई, अकबर को क्या बोलते हैं, अकबर। सूडान में अलग है, शाम में अलग है। लेकिन कमाल की बात यह है कि जो कुरानिक अरबी है ना, वो समझते सब हैं। सऊदीया में भी समझी जाती है, मिस्र में भी समझी जाती है, सूडान में भी समझी जाती है। इसकी मिसाल है जैसे उर्दू, उर्दू सिर्फ कराची में बोली जा रही है, पाकिस्तान में असल सिर्फ कराची में ही है, कहीं भी नहीं है। लेकिन हैदराबाद में भी समझी जाएगी, पंजाब में भी समझी जाएगी, बोली भी जाएगी, समझी भी जाएगी। एबटाबाद में भी बोली भी जाएगी, समझी भी जाएगी। पेशावर में भी बोली भी जाएगी, समझी भी जाएगी। और जहां भी चले जाओ, तो इसका मतलब क्या है कि उर्दू जबान पाकिस्तान में जिंदा है, बोली भी जा रही है और समझी भी जा रही है। तो इसी तरह अरबी 20 मुल्कों में बोली भी जाती है और समझी भी जाती है।